राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सागर में जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड संक्रमण के खतरे के बीच संक्रमण पर लगाम लग सके एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है, जिसके चलते मामले में प्रशासन के द्वारा जारी आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा और आदेश का उल्लंघन कर बेवजह सड़कों पर तफरी करने वालों के खिलाफ 151 के तहत मामला दर्ज अस्थायी जेल भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के जैसे ही आदेश जारी हुआ, पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जहां आदेश के पालन के तहत जारी निर्देशों का मैदानी स्तर पर 100% अमल हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के साथ मौजूद पुलिस बल चप्पे चप्पे की निगरानी रख जगह जगह बने चेकिंग प्वाइंट पर मोर्चा संभाल आवाजाही करते मिलने वालों को रोक पूछताछ करता दिखा और बेवजह निकले लोगों पर शिकंजा कस उनके खिलाफ आदेश के उल्लंघन पर बने उन्हें अभिरक्षा में ले धारा 151 का मामला बना अस्थायी जेल भेज दिया गया। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन कोतवाली थाना क्षेत्र सहित अन्य थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों की अवहेलना पर दर्जनों लोगों पर आदेश के तहत कार्रवाई की गई। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि कल यानी कि 15 तारीख को रात्रि 10 बजे से 21 तारीख के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शहर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि शहर के प्रमुख चौराहों पर पॉइंट लगे हुए हैं और अभी आप देख भी रहे हैं कि जिन लोगों के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया है उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके अस्थायी जेल, जिसे खुली जेल का नाम दिया गया है, वहाँ भेजा जा रहा है।